मोहन संस्कृत आज कक्षा में हम लोग सप्तमी कक्षा की संस्कृत पाठ्यपुस्तक रुचिरा द्वितीयो भागः के प्रथमा पाठः सुभाषितानि नामक पाठ को पढ़ेंगे। सुभाषितान का अर्थ होता है सुंदर वचन। सुभाषितान का मतलब है सुंदर वचन अर्थात तो सुवचन। इस पाठ में जो है कई विद्वानों के सुभाषित श्लोक हैं और इन श्लोकों के द्वारा ये बताया गया है कि जीवन में हमें क्या क्या उपयोगी है और क्या अनुपयोगी है और सफलता के लिए मनुष्य के व्यवहार और विचार कैसे होने चाहिए ये समझाया गया है इन श्लोकों के माध्यम से। तो इसमें पहला श्लोक है पृथिव्याम तीणी रत्नानी जलमान्नम सुवासितम मूढ़े पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम तीणी रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। यहाँ पे देखिए पृथिव्याम तीणी रत्नानि। पृथिव्याम का मतलब है पृथ्वी पर। यहाँ पे पृथिव्याम में सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है पृथिव्याम। जैसे नदी का नद्याम इस तरीके से बनता है पृथिव्याम पृथ्वी पर। तीणी मतलब तीन रत्नानि रत्न हैं। तो देखिए रत्नानी रत्नानी देखिए ये यहाँ पे विशेष्य है और विशेष्य के साथ में ये जो विशेषण तीन लगा है इसमें भी उसी विभक्ति का प्रयोग किया गया है जो कि रत्नानी में विभक्ति प्रयोग हुआ है अर्थात प्रथमा विभक्ति। ये बहुवचन का प्रयोग रत्नानी में है। इसी प्रकार से तीणी जो विशेषण शब्द है उसमें भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन का ही प्रयोग किया गया है क्योंकि विशेषण शब्द और विशेष्य इनमें क्या संबंध होता है कि मतलब विशेष्य में जो विभक्ति अर्थात विशेष जो होता है जिस विभक्ति जिस पुरुष जिस लिंग का होता है उसी विभक्ति उसी पुरुष का यानी कि ये विशेष विशेषण भी होगा। तो पृथिव्याम तीन रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम पृथ्वी पर तीन ही रत्न हैं जलमन्नम सुभाषितम। यहाँ पे देखिए जलमन्नम करके दिया है जलमन्नम। जलमन्नम जलमन्नम इस तरीके से शब्द दिया है। तो जलमन्नम में जलम धन अन्नम इस तरीके से इसमें अलग अलग वर्ण होंगे ये जलमन्नम। और यहाँ पे देखिए म इसमें अजीनम परेण संयोज्यम से ये दोनों जुड़ करके वर्ण संयोजन हुआ और वर्ण संयोजन होकर के जलमन्नम बना है अर्थात जलम और अन्नम। ये इस शब्द में दो शब्द हैं जलमन्नम जलम अन्नम अर्थात जल और अन्न। पृथिव्याम तीन रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम यानी कि पृथ्वी पर तीन ही रत्न हैं जलमन्नम सुभाषितम अर्थात जल अन्न और सुवचन। सुवचन मतलब सुंदर वचन। और मूढ़े पाषाण खंडेशु मूढ़े अर्थात मूढ़े देखिए जो दिया गया है मूढ़े का मतलब मूर्खों के द्वारा। यहाँ पे मूढ़े में तृतीय व्यक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है तथा मूढ़ अर्थात मूर्ख व्यक्ति के द्वारा। पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों में पाषाण खंडेशु मतलब पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञा विधीयते रत्न की संज्ञा दी जाती है। एक बार फिर देख लो पृथिव्याम तीन रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम अर्थात पृथ्वी पर तीन अर्थात तीन रत्नानि रत्न जलमन्नम सुभाषितम जल अन्न और सुभाषित अर्थात सुंदर वचन। एक बार फिर देख लो इसमें पृथ्वी पर जल अन्न और सुवचन ये तीन ही रत्न हैं यानी पृथिव्याम पृथ्वी पर जलमन्नम सुभाषितम जल अन्न और सुभाषित तथा सुंदर वचन ये तीन ही रत्न हैं। लेकिन मूढ़े पाषाण खंडेशु लेकिन मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञा विधीयते रत्न की संज्ञा दी जाती है। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितं। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितं। सत्येन यहाँ पे देखिए सत्येन कई जगह आया है। सत्येन ये तृतीय व्यक्ति एकवचन का प्रयोग है जैसे बालक का बालकेन बनता है तो इसका अर्थ यहाँ पे करण कारक होने से चिन्ह लगे करके सत्येन अर्थात सत्य से। धार्यते धार्यते का अर्थ होता है धारण की जाती है पृथ्वी अर्थात धरती माँ।
और सत्येन तपते रवि, रवि का मतलब होता है सूर्य, और सत्येन मतलब सत्य से, तपते तपते मतलब जलता है, सत्येन वाति वायुश्च, सत्येन अर्थात सत्य से, वाति अर्थात बहती है, वायुश्च यहाँ पे देखिए वायुश्च जो दिया है, वायुश्च 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 का जब संधि विच्छेद करेंगे तो होगा वायु वायु धन च, यहाँ पे विसर्ग संधि हुई है, यानी विसर्ग का जो शत हुआ है, शत में ये वाला सा हुआ है, ये सा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे चा जो है वो तालु, इसका उच्चारण स्थान तालु है और इसका भी स्थान तालु है, तो इसलिए इस सा का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर ये भी प्रयोग हो सकता था लेकिन इसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है, और स इस वाले सा का उच्चारण स्थान दंत है, लित लसानम दंता इसका दंत है, रिट लसानम मूर्धा इसका मूर्धा है, और इसका तालु है, और इस चा का भी तालु है, इसीलिए यहाँ पर विसर्ग का इस वाले सा का प्रयोग किया गया है, वायुश्च अर्थात और वायु। सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सत्येन वाति वाति मतलब वहती है, वायुश्च वायु च मतलब और, सर्वम मतलब सब कुछ है, सर्वम का अर्थ है सब कुछ, सत्य सत्य में, यहाँ पे देखिए सत्य में सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है, सत्य अर्थात सत्य में, प्रतिष्ठितम प्रतिष्ठितम मतलब स्थित है, एक बार अर्थ इसका पूरा देख लें, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य से पृथ्वी धारण की जाती है, सत्येन तपते रवि, और सत्य से सूरज तपता है, और सत्येन वाति वायुश्च, च दिया है इसलिए और आ जाएगा आगे, तो और सत्येन वाति वायुः, और सत्य से ही वायु वहती है, वायु वहती है, सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य में ही समाहित है, अर्थात सब कुछ सत्य में ही स्थित है। तीसरा श्लोक है, दाने तपसि शौर्य च विज्ञाने विनयनये, विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा, दाने तपसि शौर्य च विज्ञाने विनयनये, विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा, दाने तपसि शौर्य च, यानी दाने यहाँ पे देखिए सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है इस श्लोक में अधिकतर, यानी दाने अर्थात दानमी, ये देखिए बालक की तरह रूप होगा इसका, क्योंकि दान अकार अंत शब्द है, तो दाने जैसे बालक का बाल के बनता है सप्तमी एक वचन में, तो दाने अर्थात दानमी, तपसी यहाँ पे तपस यानी कि हलंत शब्द है ये, तपस तपस का तपसी बनता है, जैसे मनस का मनसी बनता है, जैसे तपस यदि मनस शब्द जैसे बनता है, देखिए इधर मनस, मनस का सप्तमी व्यक्ति एक वचन में मनसी बनता है, उसी प्रकार से ये तपस शब्द होता है तपस, और तपस का सप्तमी व्यक्ति एक वचन में तपसी, तपसी बनता है, तपसी का अर्थ होता है तपस्या में, तपसी का अर्थ क्या होता है तपस्या, तपस्या में, तो दानी तपसी शौर्य, शौर्य का अर्थ था बल में, जो विज्ञानी च मतलब और, विज्ञानी अर्थात विशेष ज्ञान में, विज्ञानी अर्थात विशेष ज्ञान में, यहाँ भी सप्तमी का प्रयोग है, सप्तमी एक वचन ही है, विज्ञानी अर्थात विशेष ज्ञान में, विनय, विनय का मतलब विनय अर्थात विनय में, और नये अर्थात नीति में, विस्मयो, विस्मयो का अर्थ होता है आश्चर्य, न माने नहीं, और ही का मतलब होता है ये जो निश्चित अर्थ होता है, ये निश्चित के अर्थ में प्रयोग होता है निश्चित रूप से, तो कर्तव्यो करनी चाहिए या करना चाहिए, बहुरत्ना बहुत से रत्नों वाली, वसुंधरा अर्थात पृथ्वी, इसका देखिए एक बार अर्थ पूरा देखते हैं, दाने तपसि शौर्य च विज्ञाने विनयनये, विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा, यानी दान में, दाने अर्थात दान में, तपसि तपस्या में, शौर्य बल में, विज्ञानी अर्थात विशेष ज्ञान में, विनय विनम्रता में, नय अर्थात नीति में, यहाँ पे चा दिया है तो अंत में और लग करके हो जाएगा, और नीति में निश्चित ही, यहाँ पे जो ही जो दिया है वो निश्चित अर्थ होता है, तो निश्चित ही अविस्मयो न कर्तव्यो अर्थात विस्मय नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी बहुत से रत्नों वाली है, बहुरत्ना वसुंधरा, वसुंधरा बहुरत्ना, इसलिए क्योंकि
पृथ्वी जो है बहुत रत्नों वाली है, अर्थात पृथ्वी में बहुत से ऐसे रत्न भरे हुए हैं, इसलिए हमको दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में अर्थात विशेष ज्ञान में, विनय अर्थात विनम्रता में, नय अर्थात और नीति में, विषमयो न कर्तव्य निश्चित ही विषमय नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पृथ्वी जो है बहुत से रत्नों वाली है। चौथा श्लोक है, सद्वीरेव सहासीत सद्वी कुर्वीत संगतिम सद्वीर विवादम मैत्रीम च न सद्वीर के किंचिदाचरेत सद्वीरेव सहासीत सद्वी कुर्वीत संगतिम सद्वीर विवादम मैत्रीम च न सद्वी किंचिदाचरेत। यानी कि सद्वीरेव, यहाँ पे जो सद्वीरेव शब्द दिया है, सद्वीरेव इसे इस तरीके से भी हम लोग ले सकते हैं, सद्वी, ये जो शब्द जो सद्वी शब्द दिया है, ये सत शब्द का, सत अर्थात सज्जन, और सत शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन में सद्वी रूप बनता है, और इसका अर्थ होता है सज्जनों से, सज्जनों से, सद्वी अर्थात सज्जनों, सज्जनों से, और एव का अर्थ होता है ही, और इसी के बाद में दूसरा शब्द दिया है साहसीत, साहसीत, साहसीत जो शब्द दिया है, तो इस शब्द में दो शब्द हैं, सहे धन आसीत, आसीत। तो यहाँ पे देखिए सहे, सहे होने के कारण ही यहाँ पे जो सत शब्द है, सत में तृतीय व्यक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है, यानी कि तृतीया का प्रयोग किया गया है, क्योंकि सह उक्ते प्रधाने तृतीया, सह के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो सज्जनों से, सद्वी का अर्थ सज्जनों से होता है, लेकिन यहाँ पर सह का प्रयोग होने से इसका अर्थ हो जाएगा सज्जनों के साथ, सज्जनों के साथ, सज्जनों के साथ, इस तरीके से अर्थ इसका निकलेगा। वैसे तो सद्वी का अर्थ सज्जनों से, क्योंकि तृतीया विभक्ति है, और तृतीया कर्ण कारक से उसका चिन्ह से हो जाएगा, अर्थात सज्जनों से, लेकिन यहाँ पर सह का प्रयोग होने से ही यहाँ पे सत में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो सद्वी है उसका अर्थ होगा सज्जनों के साथ। तो सद्वीरेव साहसीत अर्थात सज्जनों के साथ, एव अर्थ ही, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, साहसीत अर्थात बैठना चाहिए, सद्वी कुर्वीत संगतिम और सज्जनों के साथ ही कुर्वीत करना चाहिए, संगतिम या करनी चाहिए, कुर्वीत संगति मतलब संगति, और सज्जनों से के साथ ही संगति करनी चाहिए, सद्वीर विवादे विवादम और सज्जनों के साथ ही हमें विवाद करना चाहिए, मैत्रीम च और मित्रता भी हमें सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए, ना सद्वी, यहाँ पे ना सद्वी दिया है, ना सद्वी, न सद्वी करके दिया है, न सद्वी, यहाँ पे न धन असद्वी, न सद्वी इस तरीके से होगा, न मतलब नहीं, असद्वी अर्थात असज्जनों, असज्जनों, असज्जन जो होते हैं, असज्जनों के साथ, असज्जन लोगों के साथ हमें कुछ भी अर्थात कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो एक बार फिर देख लें, सद्वीरेव साहसीत सद्वी कुर्वीत संगतिम सद्वीर विवादम मैत्रीम च न सद्वी किंचिदाचरेत, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए, सद्वी कुर्वीत संगतिम अर्थात सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए अर्थात रहन सहन करना चाहिए, और सद्वीर विवादम मैत्रीम च सज्जनों के साथ ही विवाद अर्थात तर्क वितर्क करना चाहिए, और उसके बाद में दिया है मैत्रीम च और मित्रता करनी चाहिए,
कहने में तो सज्जनों के साथ ही हमें मित्रता करनी चाहिए, ना सद फिर किंचिदाचरेत, और असज्जनों अर्थात दुष्टों लोगों के साथ कुछ भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। किंचिदाचरेत जो दिया है, देखिए किंचिदाचरेत इसको भी समझ लो, जो किंचिदाचरेत किंचित किंचित धन आचरेत आचरेत, यहाँ पे देखिए विदलिंग लकार का प्रयोग हुआ है, विदलिंग आचरेत किंचित माने कुछ भी, किंचित का अर्थ है कुछ भी, और आचरेत अर्थात व्यवहार करना चाहिए, और ना मतलब नहीं। तो सद्वीरेव साहसी तो सद्वी कुर्वित संगतिम, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए और सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ विवाद अर्थात तर्क वितर्क और मित्रता करनी चाहिए, ना सद्वी किंचिदाचरेत, और असज्जनों अर्थात दुष्टों के साथ कुछ भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। और नेक्स्ट पांचवा श्लोक है, धन धान्य प्रयोगेशु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। धन धान्य प्रयोगेशु, यहाँ पे दिया है धन धान्य प्रयोगेशु, धन धान्य प्रयोगेशु अर्थात धन धान्य के प्रयोग में अर्थात व्यवहार में, धन धान्य प्रयोगेशु, यहाँ पे देखिए प्रयोगेशु में ये जो प्रयोगेशु दिया है इसमें सप्तमी व्यक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है, और सप्तमी में अधिकरण कारक, अधिकरण का चिन्ह में पर होता है, अधिकरण में पर जाने अर्थात अधिकरण में पर होता है साइन, तो इसलिए तो धन धान्य प्रयोगेशु, धन धान्य के प्रयोग में या व्यवहार में। फिर लिखा है विद्याया, जो विद्याया रूप बना है, देखिए विद्याया विद्याया इस तरीके से रूप बना है, जैसे देखिए लता का लताया बनता है, देखिए लता का पंचमी षष्ठी बहुवचन वो एक वचन में, सॉरी पंचमी षष्ठी एक वचन में लताया बनता है, पंचमी और षष्ठी विभक्ति में, पंचमी षष्ठी में लताया बनता है। इसी तरीके से विद्याया विद्याया जो है वो षष्ठी विभक्ति का रूप है, ये षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है ये विद्याया अर्थात विद्या के। संग्रहेशु, संग्रहेशु में भी सप्तमी बहुवचन का प्रयोग है, संग्रहेशु अर्थात संग्रह में, चक अर्थात और, आहारे आहार में अर्थात भोजन में, व्यवहारे च और व्यवहार में, तिक्त लज्जा तिक्त लज्जा अर्थात संकोच को छोड़ने वाला भवेत होता है या हो जाता है, इस तरीके से होता सुखी अर्थात सुखी होता है। तो यहाँ पे होगा धन धान्य प्रयोगेशु, धन धान्य के प्रयोग में, विद्या या संग्रहेशु च और विद्या के संग्रह में अर्थात संचय में, आहारे व्यवहारे च आहार अर्थात भोजन में और व्यवहारे च और व्यवहार में, तिक्त लज्जा संकोच को छोड़ने वाला, तिक्त लज्जा अर्थात संकोच को छोड़ने वाला सुखी भवेत सुखी होता है अर्थात उदार प्रवृत्ति वाला व्यक्ति सुखी होता है। यहाँ पे भवेत जो है, वैसे तो भवेत जो क्रिया है वो विधलिंग लकार की क्रिया है, यहाँ पे देखिए धन धान एक बार फिर देख लो, धन धान्य प्रयोगेशु विद्या या संग्रहेशु च आहारे व्यवहारे च तिक्त लज्जा सुखी भवेत, धन धान्य के प्रयोग में, विद्या या संग्रहेशु च और विद्या के संग्रह में अर्थात संचय में, आहारे व्यवहारे च आहार में और व्यवहार में, तिक्त लज्जा सुखी भवेत अर्थात संकोच को छोड़ने वाला व्यक्ति जो है वो सुखी भवेत सुखी होता है। नेक्स्ट श्लोक है छठवां श्लोक है, क्षमा वशी कृत लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्गा करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वशी कृत लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्गा करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वशी कृत लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्गा करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। इस तरीके दिया है क्षमा वशी कृति लोके, यहाँ पे देखिए क्षमा वशी कृति ही यहाँ दिया है, क्षमा वशी कृति लोके दिया है, तो यहाँ पे क्षमा वशी कृति ही इस तरीके से शब्द जाएगा
ये जो क्षमावशी कृति ही लोके करके दिया है, तो देखिए इसका इस तरीके से होगा क्षमा वशी कृति ही। ये जो रुत जो र है इसका विसर्ग हो जाएगा, रुत विसर्ग हुआ है इसका, यहाँ पे लोके 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 का अर्थ होता है संसार में, संसार में। और जो लोके शब्द है वो सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, ये सप्तमी विभक्ति। और सप्तमी का चिन्ह जो होता है वो मे पर होता है, मे पर जो उचित हो वो चिन्ह ला करके अर्थ निकालेंगे। लोके अर्थात लोक में अर्थात संसार में। क्षमा वशी कृति ही, क्षमा वशी कृति का मतलब है संसार में क्षमा यानी सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा वशी यानी क्षमा जो है वशी कृति ही, वशीकरण, वशीकृति अर्थात वशीकरण, और क्षमा करता क्षमा, क्षमा वशी कृति ही अर्थात क्षमा रूपी जो सबसे जो संसार में यानी लोके अर्थात संसार में क्षमा और जो है वो सबसे बड़ा वशीकरण है, इस तरीके से इसका अर्थ होगा। क्षमा वशी कृति लोके क्षमया किम न साध्यते। और क्षमया जो शब्द दिया है, देखिए क्षमया जो क्षमया शब्द है ये क्या है, क्षमया, क्षमया जो है तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है, ये तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप। जैसे ये क्षमा शब्द जो क्षमा है आकारांत शब्द है, और आकारांत का ये क्षमया यहाँ पर बना है तृतीया विभक्ति में। कैसे बना है, जैसे लता, लता जो है आकारांत शब्द है जिसके रूप हम लोग व्याकरण में पढ़ चुके हैं, लता अर्थात लतया, लता का तृतीया विभक्ति एकवचन में क्या बनता है, लतया अर्थात लता से। और यहाँ पे क्षमा आकारांत है अर्थात क्षमया, इस तरीके से बना है क्षमा से। तो फिर देखिए क्षमा वशी कृति लोके क्षमया किम न साध्यते, क्षमा वशी कृति लोके अर्थात क्षमा वशी कृति ही अधन लोके, संसार में, संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमया अर्थात क्षमा से, क्षमया करते हैं क्षमा से, इसका अर्थ क्या हो जाएगा क्षमा से, क्योंकि तृतीय विभक्ति का चिन्ह कर्ण कारक होने से होगा अर्थात क्षमा से। क्षमा से साध्यते अर्थात साधा जाता है, साध्यते अर्थात साधा जाता है। शांति खड्गः, शांति रूपी तलवार, खड्गा माने तलवार और शांति, शांति रूपी तलवार, शांति रूपी तलवार करे, यहाँ पे दिए जो करे दिया है, करे क्या है, करे करे जो है वो सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है और इसका चिन्ह मे पर हो जाएगा, अर्थात करे का, कर का अर्थ क्या होता है हाथ में, यानी कि हाथ, और ये चूंकि सप्तमी विभक्ति एक वचन का है इसमें से चिन्ह निकल जाएगा, तो अर्थात हाथ में, हाथ में। और जो करे, कर के अर्थ कई होते हैं, इसे देख लो, कर का अर्थ होता है हाथ और कर का अर्थ होता है सूरज की किरण, और दूसरा अर्थ होता है हाथी की सूंड, हाथी की सूंड, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे चूंकि करे दिया है उसका अर्थ हाथ में ये होगा। शांति खड़गा करे यस्य, यस्य माने जिसके, ये यत शब्द का षष्ठी विभक्ति एकवचन का रूप है, यस्य, यस्य यत का अर्थ होता है जो, और यत शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनता है यस्य, और इसका अर्थ हो जाएगा जिसका या जिसके, जो भी उचित है उस चिन्ह का प्रयोग करते हुए अर्थ निकालेंगे। क्षमा वशी कृति लोके क्षमया किम न साध्यते, और शांति खड्गः करी यस्य किम करिष्यति दुर्जना। करिष्यति, ये जो करिष्यति शब्द है क्री धातु, क्री धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, करिष्यति, करिष्यति ये लिट लकार भविष्य काल का रूप है, अर्थात करेगा। दुर्जना चूंकि दुर्जन है यहाँ पे, तो दुर्जन प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है, और इसीलिए यहाँ पे करिष्यति क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की प्रयोग की गई है यहाँ पे। तो इसका एक बार पूरा अर्थ देख लें, क्षमा वशी कृति लोके क्षमया किम न साध्यते, क्षमा संसार में सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा संसार में अर्थात लोके, लोके मन संसार में, वशी क्षमा वशी, वशीकृति मतलब वशीकरण है, क्षमा जो है संसार में सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमया किम न साध्यते अर्थात क्षमा से क्या पूर्ण नहीं होता, अर्थात क्या नहीं साधा जा सकता। शांति खड़गा करी यश, जिसके हाथ में, यश माने जिसके,
करे हाथ में शांति खड़गा, शांति रूपी तलवार हो उसका दुष्ट, यानी कि उसका दुष्ट जो है दुर्जन अर्थात तुष्ट, दुर्जन अर्थात दुष्ट व्यक्ति जो है क्या कर सकता है, किम माने क्या करिष्यति अर्थात करेगा, इस तरीके से अर्थ होगा। क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते, क्षमा संसार में सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा से क्या पूर्ण नहीं होता। शांति खड्गा करे यश्य अर्थात यश्य करे शांति खड्गा, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, किम करिष्यति दुर्जना, उसका दुर्जन अर्थात दुष्ट व्यक्ति क्या करेगा, इस तरीके से इसका अर्थ होगा।